जरूर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है राजा मिदास और जादुई सुनहरा स्पर्श। आशा है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज मिदास और जादुई सुनहरा स्पर्श। बहुत समय पहले मिदास नाम का एक राजा था। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम मैरीगोल्ड था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत अमीर थे, यहाँ तक कि उनके महल का एक कमरा सोने से भरा हुआ था। एक दिन महाराज अपने कमरे में बैठकर सोने के सिक्के गिन रहे थे, तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और उसने कहा, महाराज आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा राजा नहीं जिसके पास इतना सोना हो। हाँ तुम सही कह रही हो, परंतु मेरी इच्छा है मुझे और भी सोना मिल जाए, क्योंकि इस संसार में सोने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आपकी कोई एक इच्छा पूरी करनी हो तो क्या आप मुझसे और सोना मांगेंगे? अगर तुम सिर्फ मेरी एक ही इच्छा पूरी कर सकती हो तो मैं सिर्फ तुमसे यही मांगूंगा कि मैं जो भी छूं वो सोने में बदल जाए। ठीक है महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कल सूर्योदय के बाद आप जो भी कुछ छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा। अगले दिन महाराज जल्दी उठे और उन्होंने उठते ही अपने बिस्तर को छुआ। बिस्तर को छूते ही वो सोने में बदल गया। अब महाराज बहुत खुश हुए और वो दौड़ दौड़ कर सभी चीजों को छूकर उन्हें सोने में बदलने लगे। परंतु थोड़ी देर बाद महाराज को भूख लगने लगी। जैसे ही महाराज ने पीने के लिए पानी का ग्लास उठाया तो ग्लास के साथ साथ पानी भी सोने में बदल गया। रोटी, सब्जी, फल, सभी कुछ सोने में बदल गए। महाराज बहुत दुखी हुए। तुरंत उनकी पुत्री बाहर से दौड़ती हुई आई और उन्होंने राजा को छू लिया। राजा के स्पर्श से उनकी पुत्री भी सोने में बदल गई और राजा का मन पीड़ा से भर गया। राजा जोर जोर से चिल्लाकर उसी परी को पुकारने लगे। परी तुरंत प्रकट हुई और बोली, महाराज आपने मुझे कैसे याद किया? तब महाराज ने कहा, हे महान परी, ये वरदान नहीं, ये अभिशाप है, इसे वापस ले लो। तुम मेरा सब कुछ ले लो, सारा सोना ले लो, परंतु मेरी पुत्री मुझे वापस लौटा दो, वापस लौटा दो। परंतु महाराज आप ही ने तो कहा था इस दुनिया में सोने से बेहतर और कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी गलती थी, उसका सबक मुझे मिल चुका है। ठीक है महाराज, आप इस घड़े का पानी लीजिए और उस चीज पर छिड़किए जो आपके स्पर्श से सोने में बदल गई है। महाराज ने तुरंत वो पानी लिया और सबसे पहले अपनी पुत्री पर छिड़का। पुत्री पर पानी छिड़कते ही पुत्री वापस इंसान में बदल गई। अब महाराज ने उस जल को हर उस चीज पर छिड़का जो उनके स्पर्श से सोने में बदल गई थी। जो चीज जैसी थी वो जल छिड़कने के बाद वापस वैसी ही हो गई। उस दिन महाराज को एक कीमती सबक सीखने के लिए मिला कि दुनिया की सारी खुशियां सोने से नहीं खरीदी जा सकती। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना बुरी बात है और इसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। धन्यवाद।